केरल के वायनाड जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। भारी बारिश के बाद हुए भयानक भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। इसमें 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में राज्य की सभी सरकारी एजेंसियां लगी हुई हैं। हादसे में कई लोगों की जान गई है, हालांकि मौत का आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने यह बताया है कि अलग अलग अस्पतालों से 24 लोगों के शव बरामद हुए हैं। हम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद इस संदर्भ में सुबह ही निर्देश जारी किए हैं। सभी अस्पताल घायलों के इलाज के लिए तैयार हैं। विभिन्न अस्पतालों से अभी तक 24 शव मिले हैं, कई घायल हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। घायलों की देखभाल अच्छी तरह हो, हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं। घटनास्थल पर NDRF की टीम है और बचाव दल उसमें शामिल किए जाएंगे। वहाँ फायर फोर्स टीम, सिविल डिफेंस टीम है और नेवी भी वहाँ पहुँच रही है, मुख्यमंत्री ने ऐसा बताया है। मुख्यमंत्री ने आर्मी और नेवी की मदद मांगी है। ये काफी हैरान करने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमने तस्वीरें देखी हैं, कई सड़कें बह गई हैं और एक पुल भी बह गया है। हमें कुछ घंटों में वहाँ कनेक्टिविटी भी करनी है। हेलीकॉप्टर भी वहाँ लाए गए हैं, लेकिन वहाँ मौसम खराब है। समझा जा रहा है कि बचाव कार्य के बाद बनने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। केरल के मंत्री AK सशिंद्रन निप्पाडी अस्पताल में वायनाड भूस्खलन में घायल पीड़ितों का हाल चाल लेने पहुंचे। लैंडस्लाइड की घटना निप्पाडी के पास अलग अलग पहाड़ी इलाकों में मंगलवार तड़के हुई। मुंदकई और चूरलमाला शहर में सैकड़ों घर, गाड़ी और दुकानें पानी में डूब गए हैं। लैंडस्लाइड भारी बारिश के कारण हुआ। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कई दलों को भेजा गया है। बचाव अभियान में अग्निशमन एवं बचाव, नागरिक सुरक्षा, NDRF और स्थानीय आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के 250 सदस्य शामिल हैं। हालांकि भारी बारिश से राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही हैं। केरल के वायनाड में जिस तरीके से लैंडस्लाइड की घटना घटी है और उसके बाद मौसम की खराबी की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी कई मुश्किलात आ रही हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए NDRF DIG हमारे साथ मौजूद हैं। सर, समय देने के लिए शुक्रिया। फिलहाल कितनी टीमें मौजूद हैं स्पॉट पर और क्या ग्राउंड स्टेटस है? अभी फिलहाल एक टीम जो सुबह सूचना मिलने के उपरांत वहां रवाना की गई थी, वहां पर वो रेस्क्यू कार्य कर रही है। और जो ग्राउंड सिचुएशन की हम बात करें तो जो बारिश थी वो रुकी नहीं है, थोड़ी धीमी हुई है, सुबह जितनी तेज नहीं हो रही है। और इस जो दुर्घटना में जो एक वहाँ का जो लोकल ब्रिज था वो बह गया है, जिसके कारण थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक टीम आपने कहा सर स्पॉट पर ऑलरेडी है, और कितनी टीमों की तैनाती वहां पर की जा रही है? क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो अज्ञात हैं, नंबर जो है वो क्लियर नहीं है फंसे हुए लोगों का। अभी दो टीमें हमने ऑलरेडी रवाना कर दी, जो आज दोपहर तक या थोड़ा लेट दोपहर तक वहाँ पहुँच जाएंगी और वो जाते ही अपने कार्य में वहाँ लग जाएंगी। इसके अलावा से सीनियर ऑफिसर्स की कोई तैनाती की गई है? हमने अराकोनम से, तमिलनाडु से अपने जो सीनियर कमांडेंट हैं उनको वहाँ रवाना कर दिया है कि वह वहाँ जाएं और जाकर इस ऑपरेशन को अपनी पर्सनल निगरानी में अंजाम दें। इसी के अलावा सर, अगर आंकड़ों की बात करें तो डेथ टोल कितना है, मृतकों की संख्या कितनी है, कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया है, इवैक्यूएट किया है? अभी तक हमने एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया, 73 को ने इवैक्यूएट किया और 21 डेड बॉडीज के प्राप्त होने की हमें खबर है। बिल्कुल, क्या ये आंकड़े संभावित बढ़ सकते हैं, क्योंकि बरसात जो है वो लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे थे चली रही है, ब्रिज कोलैप्स होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी एक इफेक्ट इसका होता नजर आ रहा है? आंकड़ों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, पर जैसे जैसे खबर आएगी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। साफ तौर पर NDRF का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। सीनियर ऑफिशियल्स को भी स्पॉट पर तैनात किया गया है और
अन्य टीमें जो हैं उन्हें भी रवाना किया गया है वायनाड के लिए। देखना यह होगा कि 21 का आंकड़ा मृतकों का है, 73 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और इस बीच में ये आंकड़े और बढ़े ना, इसकी कोशिश भी एनडीआरएफ द्वारा की जा रही है। राजेश शर्मा के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स नव भारत के लिए दिल्ली से। केरल के मुख्य सचिव वी वेणु ने बताया कि लैंडस्लाइड करीब 2-3 बार हुई। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है। पीएम मोदी ने भूस्खलन में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। And in the early morning itself, Prime Minister was active in this thing and monitoring everything. He was taking the stock of the situation. सुबह से ही पीएम इस हादसे को लेकर हर चीज पर नजर रख रहे हैं। वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं और फोर्स एनडीआरएफ को तत्काल बचाव कार्यों के लिए वहां पहुंचने का निर्देश दिया है। सभी बल वहां पहुंच गए हैं। सेना को अलर्ट कर दिया गया है। वायुसेना अब वहां पहुंच चुकी होगी और सेना भी वहां पहुंच रही है। पहाड़ी इलाका है और समस्या ये है कि वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। हेलीकॉप्टर और अन्य मदद की जरूरत है। राज्य सरकार ने भी केंद्र से अनुरोध किया है और पीएम ने केरल के सीएम से बात की। हम मिलकर बचाव कार्य करेंगे। Chief Minister of Kerala and we together, state government and central government together. वायनाड से सांसद रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी घटना पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने स्थानीय नेताओं को मदद करने का निर्देश दिया है। साथ ही पार्टी सांसद और संगठन प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल को स्थिति पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। थैंक यू स्पीकर सर। सर अर्ली आज सुबह वायनाड में कई विनाशकारी भूस्खलन हुए। इस घटना में 70 लोग मारे गए हैं। मुडकई गांव से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। इस त्रासदी की वजह से कितने लोगों की जान गई है और कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी किया जाना बाकी है। मैंने रक्षा मंत्री और केरल के मुख्यमंत्री से बात की है। मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि बचाव और चिकित्सा देखभाल के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाए और मृतकों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। केंद्र सरकार से मेरी ये भी गुजारिश है कि अगर संभव हो तो वो मुआवजा की राशि को बढ़ाएं। महत्वपूर्ण परिवहन और संचार लाइनों को बहाल किया जाए। जल्द से जल्द राहत की व्यवस्था की जाए और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए रोड मैप तैयार किया जाए। बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने के कारण अब सेना को भी यहां बुला लिया गया है। सेना ने 4 टुकड़ियां भेजी हैं। बचाव अभियान के लिए करीब 225 सैन्य कर्मी यहां पहुंच गए हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर भी यहां पहुंचने वाले हैं। इस बीच राज्य सरकार ने कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड और मल्लपुरम जिलों में अलर्ट जारी किया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।